सबका साथ सबका विकास की राह पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगा है। दरअसल बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इन आरोपों के बाद बीजेपी ने इस मामले को लेकर सफाई दी है। बीजेपी का कहना है कि उसने यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को उनके धर्म के चलते टिकट देने से इनकार नहीं किया है। बीजेपी ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी घोषणा पत्र में तीन तलाक का जिक्र अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने चुनावी राज में अल्पसंख्यकों के हितों की हिफाजत में पार्टी की स्थिति का बचाव किया। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने यह कहकर विवाद छेड़ दिया था कि पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है, क्योंकि उसे इस समुदाय से जीतने लायक कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की ओर से पार्टी के टिकट का वितरण सिर्फ योग्यता आधारित है। हम धर्म के नाम पर लोगों के खिलाफ भेदभाव में यकीन नहीं रखते हैं। यही कारण है कि हम धार्मिक आधार पर नौकरियों में आरक्षण देने के भी खिलाफ हैं। तो बीजेपी का कहना है कि टिकट बंटवारा केवल योग्यता के आधार पर किया गया है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है। देखते रहिए डीपी लाइव।